तो अभी जो मॉडल देख रहे हो द ऑल न्यू 2022 बजाज पल्सर एनएस 160। देखिए 160 का ब्रांडिंग कुछ व्हाइट एंड ब्लू टाइप स्टिकर कॉम्बिनेशन पे किया गया है। सीट हाइट है कंफर्टेबल है, अगर आपका हाइट 5'3" के 5'4" भी हो तो भी आप इस बाइक को इजीली राइड कर पाओगे। थोड़ा सा सॉफ्ट सीट मतलब राइडर सीट जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट है एंड पिलियन थोड़ा सा हार्ड। कैब रेल कुछ मैट ब्लैक टाइप कलर कॉम्बिनेशन पे दिया गया है एंड पीछे से बाइक कुछ ऐसे लुक प्रोवाइड करती है। टायर अगर बाइक पे प्रोवाइड की जाती है चेक कर लो और पीछे आपको 120 सेक्शन का टायर मिल जाएगा। सिंगल चैनल एबीएस मॉडल है, लेडीज फुटरेस्ट इस बाइक पे दिया जाता है विथ सारी गार्ड। पीछे आपको नाइट्रॉक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन प्रोवाइड की जाती है जो आपको उबड़ खाबड़ रास्ते में भी एक कंफर्टेबल राइडिंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करती है। मतलब अगर आप इसको ऑफ रोडिंग भी करते हो लेके तो आपको इतना ज़्यादा जार्किंग फील नहीं होगा कि दूसरे बाइकों में जितना होता है, क्योंकि पीछे शॉक एब्जॉर्बर नाइट्रॉक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन प्रोवाइड की जाती है। और साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा डिज़ाइन ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। देखिए कुछ व्हाइट एंड ब्लू स्टिकर कॉम्बिनेशन साइड प्रोफाइल पे और टैंक कैपेसिटी आर ऑल्सो सेम 12 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है जिससे आपको अच्छा खासा माइलेज कवरेज मिल जाएगा। देखिए न्यू बाइक है इसलिए इसका स्टिकर अभी तक उठाया नहीं गया है दोस्तों। कुछ 3D ऐसा क्रोम टाइप डिज़ाइन में इसका पल्सर का ब्रांडिंग मिल जाएगा और 12 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है सेम एज BS6 में भी यही था। दोस्तों पल्सर का जो ब्रांडिंग है ना कुछ क्रोम टाइप 3D डिज़ाइन पे है और इसका स्टिकर भी अभी तक उठाया नहीं गया है इसलिए क्योंकि न्यू बाइक है इसलिए। बाकी 12 लीटर एज यूजुअल सेम BS6 मॉडल पे जैसा टैंक कैपेसिटी था वही सेम है, इसमें कुछ भी अपग्रेड नहीं हुआ है। मीटर कंसोल मैं आपको चाबी ऑन करके नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि न्यू बाइक है इसलिए। और इंजन कटअप स्विच इधर चेक कर लो इसका सेल्फ, इधर है हॉर्न, इंडिकेटर का हाइड्रोलिक लोबिंग एंड ऑल्सो पासिंग स्विच। हैंडल बार आर ऑल्सो सेम क्लिप ऑन हैंडल बार प्रोवाइड की जाती है और सामने से तो बाइक कुछ ऐसा लुक दे देती है। एक प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है दोस्तों, सिंगल चैनल ABS मॉडल है। इधर देख लो ABS का सेंसर एंड रिफ्लेक्टर भी बाइक पे दिया जाता है। इसका जो ऑन रोड प्राइस है देखिए हमारे वेस्ट बंगाल डानकुनी बजाज पे इसका कीमत है 1,55,000। ठीक है आपके स्टेट पे कितना है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझको जरूर बताएगा दोस्तों। टैंक पैड भी प्रोवाइड की जाती है। देखा जाए तो बाइक ओवरऑल एक प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है दोस्तों। इंजन पावर सेम इसमें आपको कुछ भी अपग्रेड नहीं मिलेगा। इधर चेक कर ऑयल कूल्ड का ब्रांडिंग, तो इंजन 160 cc का है जिसमें ऑलमोस्ट आपको 17 BHP पावर मिल जाएगा 9000 RPM पे, जो अच्छा खासा इंस्टेंट पिकअप पावर दे रहती है। 5-speed गेयरबॉक्स बाइक है इधर देख लो एंड बजाज का लोगो कुछ ऐसा ब्लैक सिल्वर कॉम्बिनेशन पे 3D स्टिकर पे दिया गया है जिसका मेन ब्रांडिंग है दोस्तों जो इंजन में ऑलवेज आपको मिल जाएगा। फ्यूल इंजेक्शन का ब्रांडिंग कुछ साइड प्रोफाइल पे ऐसा देखने को मिलता है, पर इसका साइड प्रोफाइल चेक कर लो। सो गाइस डानकुनी बजाज का भी आपको बाइक अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप भेजिएगा ये और अपना ड्रीम बाइक के शोरूम से परचेस कीजिए।